वेलकम टू सन ऑफिसम डॉक्टर मोहम्मद जिया दिस इज अकेंड लेक्चर इन मिडिबल हिस्ट्री और हमने पिछले लेक्चर में कोशिश की थी कि मिडिवल हिस्ट्री को जो हम कहते हैं वहां पे हम समझ सकें कि क्या इंडिया की सिचुएशन थी एंड अकॉर्डिंगली वी डिड दैट सो हम बात कर रहे थे हर्षा की नाउ दिस हर्षवर्धना आप कह सकते हैं कि ही वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर

वहां पे नॉर्थ ऑफ इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया जो है या जो साउथ डिवाइड की हम बात करते हैं यू विल द रिवर नर्मदा नाउ दिस रिवर नर्मदा इज दाइक द डिवाइड द नॉर्थ साउथ डिवाइड ऑफ इंडिया और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं स्पेशली जो नॉर्थ को रूल कर रहे थे कि वी शुड क्रॉस the river and we should have a control over the deccan region but ye as such kabhi itna zyada possible nahi raha like harsha himself was uh, defeated on the banks of river narmada and uh, but phir bhi harsha jo hai ek empire को own कर रहा था और एक empire को own करने के लिए उस वक्त जब land was the symbol of uh, स्ट्रेंथ लैंड एक्विजिशन और टेरिटी एक्विजिशन और वहां पे टेरिटी एक्विजेशन की जब हम बात करते हैं टेरिटोरियल एक्विजिशन की हम बात करते हैं तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि सर दिस इज आर लैंड इट। ऑब्वियसली मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इज द ओनली वे एंड विथ सच एज एम्पायर नो डाउट दैट हर्षा यू नो इट वॉज इज मिलिट्री एक्सपर्टीज दैट ही कंबाइंड दीज टू रीजन ऑफ थानेसर एंड कन्नौज कन्नौज को उसने कैपिटल बनाया एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज अंडर हिज कंट्रोल सो ही ऑक्युपाइड पंजाब कन्नौज उड़ीसा बंगाल मिथिला मैप में भी हमने देखा कि किस तरीके से हर्षा का जो एक्सटेंट था वो ईस्ट टू वेस्ट एंड ऑलमोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया था और उस दौर में एक बड़ी अच्छी चीज थी कि जब भी कोई राजा कुछ बड़ा काम करता था कोई ऐसा, ऐसी चीज करता था विच वॉज मेंट टू बी सिग्निफिकस ऑफ विक्ट्री और वो अपने आप को एक टाइटल करते थे वो खुद को ही टाइटल देते थे वो खुद ही अपना टाइटल एज्यूम कर लेते थे और यहाँ पे जब इतना कुछ एक्वायर करने के बाद हर्षा ने जो टाइटल एज्यूम किया इट वाज द टाइटल ऑफ सिलादित्य उसके बाद हर्षा ने ध्रुव सेना टू को भी हराया इस वल्लभी किंग एंड लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हर्षा जो है वो हारा हारा कहा नर्मदा पे और किसने हराया पुलकेसिन टू ने और इस पुलकेसिन टू को अगेन से कि इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये आगे बहुत बार आने वाला है और ही इज गोइंग टू बी अ वेरी एलिमेंट स्पेशली इन द अर्ली मेडिवल हिस्ट्री अगर आप ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की बात करेंगे आप साउथ की हिस्ट्री देखेंगे तो दिस पुलकेशन टू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी राजा महान कैसे बनता है हमने हर्षा को महान कहा हम अशोका को महान कहते हैं अकबर को हम महान कहते हैं और ग्रेटनेस इज इज हैज नथिंग टू डू विथ टेरिटरी ग्रेटनेस हैज नथिंग टू डू विथ टेरिटरी नो डाउट दैट वाज अ सिंबल टेरिटोरियल एक्सपेंशन वाज डेफिनेटली अ सिंबल लेकिन एक और एलिमेंट है जिससे कि किसी भी राजा के अब वो कोई भी दौर हो सकता है वो एक्सक्लूसिव हम मिडिवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं वो मॉडर्न इंडिया भी हो सकता है वो आज का हिंदुस्तान भी हो सकता है और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया में कहीं भी नाउ वी हैव लाइक पॉलिटिकल गवर्नेंस बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हाउ ग्रेट अ लीडर इज इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन हिज टेरिटोरियल एक्सटेंट और इन मॉडर्न डे टेरिटोरियल एक्सटेंट इज क्वेश्चन बट हाउ मच पीपल आर हैप्पी विथ हिम एक राजा से उसकी प्रजा कितनी प्रजा कितनी खुश है यह तय करता है कि वो कितना महान है अशोक इसलिए महान नहीं था कि उसके पास एंपायर था अशोका इसलिए महान था क्योंकि जब आफ्टर ऑब्वियसली एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म उसके बाद जो उसने रिफॉर्म्स किए पीपल वर हैपी विच वॉज गुड सेम वॉज लेट से अकबर इज द नेक्स्ट एपिटोम ऑफ ग्रेटनेस इन हिस्ट्री और वहां पर भी जो अकबर के आप कह लीजिए रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे जो उसके मार्केट रिफॉर्म्स थे वो बहुत ज्यादा देवर पीपल पीपल फ्रेंडली जिसकी वजह से हमने कहा कि हाँ लोग खुश थे प्रजा खुश थी दब्जेक्ट वैप्पी सेम वॉज विथ हर्षा एंड इन ऑर्डर टू मेक पीपल हैप्पी टू नो फ्लोट अंस ऑफ हैप्पीनेस अमंग्स द पीपल इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू शुड हैव अउंड एडमिनिस्ट्रेशन जितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा उतना ज्यादा जो है आप इफेक्टिवली अपनी पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट कर पाएंगे और यही हर्षा ने किया आप हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन को देखोगे तो नो डाउट कॉन्क्वेस्ट था और यहां पे जो कॉन्क्वेस्ट आया उसने हर्षा की जो टेरिटरीज थी they were divided into two categories. One was this direct territories. Another was the feudatories. Direct मतलब जिसपे उसका direct control था. Uh, indirect कहलो फूडिटरी को या ऐसे uh, um, um, कहना चाहिए administrative setup uh, या ऐसे kingdoms जिन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके साथ लड़ लड़ेंगे नहीं हम आपके साथ कोई युद्ध युद्ध के मूड में नहीं है हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि आप हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं बट लेटस रूल दिस हम आपको जो भी आपका ट्रीब्यूट है जो भी आपका नजराना अगर हम अल्फाज इस्तेमाल करें तो वो हम आपको देते रहेंगे बट लेट लेट लेटस है ऑटोनोमी नाउ यू कैन कंपेयर दिस फ्यूडिट्रीय स्पेशली हम जलंधर की बात करें कश्मीर कामरूप सिंध नेपाल तो so, यहां पर जो फ्यूडिट्री की बात है उसको आप को रिलेट कर सकते हो समथिंग लाइक डोमिनियन स्टेटस की कुछ ऑटोनोमी कुछ ऊपर से बट If you will see Harsha, he was okay. उसने माना कि ठीक है यू कैरी ऑन विथ योर डोमिनियन स्टेटसन कैरी ऑन विद योमी लेकिन वेरी टाइट कंट्रोल वेरी टाइट कमांड ओवर दिस फ्यूडरीज और कहीं ना कहीं यही वो दौर था जब फ्यू गुप्तास के टाइम पे फ्यूडलिज्म था लेकिन इतना प्रोमनेंट नहीं था जो हर्षा ने किया दैट

इंपॉर्टेंट अगर कुछ एग्जामिनेशन से है तो बानभट है क्योंकि बानभट्ट जो है वो इनके कोर्ट पोएट थे और बान भट्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है हर्ष चरित्र हर्षा के जो जिंदगी है उसका एक डिस्क्रिप्शन और यहीं पे हम ह्यून को भी कोट करेंगे क्योंकि आई थिंक यस हर चरित्र में बान भट्ट ने हर्षा की जिंदगी के बारे में लिखा हो सकता है और पॉसिबल भी है कि उसने जब लिखा हो तो ही वुड हैुड है पैटर्न थे ना पैटर्नाइज कर रहे थे देख रहे थे तो उन्होंने कहा ठीक है आप लेकिन वही चीज जब एक ट्रैवलर uh, एक अपने में कह रहा है तो हम दोनों चीजों को बोथ आर नॉट मच कॉन्ट्रोडिक्टी टूर देर इज राधर नो कॉन्ट्रोडिक्शन लाइफ सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सो हम कह सकते हैं गुड इमेज एज हिज लाइफ एंड डीड्स वर वेरी वेल डिस्क्राइब्ड इन दर्श चरित्र उाउन इफ यू टॉक अबाउट द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी सरकार हो सरकार हो राजा हो नवाब हो निजाम हो जो भी आप नाम ले इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहा वो इज द रेवेन्यू दे यूज टू टैक्स पीपल आज भी यही होता है वी हैव अ वेरी वेल स्टैब्लिश टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया नाउ दिस टैक्सेशन सरकार उसी से चलती है आपके हम आज के दौर की बात करें तो आपके हमारे लिए पैसों से ही सारी चीजें हो रही हैं चाहे वो फ्री uh, टेस्टिंग हो या फ्री वैक्सीनेशन हो या सड़क बनना हो या ब्रिज बनना हो जो भी होता है फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टू एवरीथिंग इट इज इट इज लार्जली बेस्ड ऑन द टैक्स दैट वी पे और उस दौर में भी यही कुछ मोरलेस सिस्टम था तो हर्षा के टाइम पे जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसको चार हिस्सों में बांट देते थे पहला was uh, uh, one was the king so first was for king dusra for scholars means he was having because he had a you know, you know um, एक अफेक्शन कह लीजिए या एक इंपॉर्टेंस कह लीजिए जो था हर्षा का वो स्कॉलरली एक्टिविटीज और लिटरेचर की तरफ था तो ही हैड गिवन थर्ड रिलीजन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट राधा रिलीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम और जितना आई हैव स्टडीड है मेन रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ एनी एंपायर और इन मॉडर्न डे वी कैन से डाउनफॉल ऑफ एनी सोसायटी Is, जब रिलीजन गेट मिक्स एस अपलिटिक्स वेन एव दीज टू हैव कम टूगेदर इट हैज टू फॉल बेस्ट अगर हम कहें मिडिवल <coughs> टाइम पे देखेंगे तो अकबर हैड सेग्रीगेटेड दिस आगे चल के हम देखेंगे कि अकबर ने दोनों चीजों को अलग किया रिलीजन अलग किया पॉलिटिक्स अलग की गवर्नेंस को अलग किया अकबर इज ग्रेट औरंगजेब ब्लेंडेड डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर ब्रिटिश जब तक वो ट्रेड कर रहे थे गुड चार्टर एक्ट 1813 वो कहते हैं कि नहीं क्रिस्टियन मिशनरी बिशप होना चाहिए something, something, something. और आप देखोगे विद इन टू डेड ऑफ दैट देस रिवोल्टिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन सो एंडर दैट एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सिग्निफिकेंस लूज किया है इंडिया में अब यहां पे भी हमको एक चीज समझनी होगी रिलीजन इज इंपॉर्टेंट लेकिन उसका गवर्नेंस में कितना इंटरफेरेंस है ये तय करता है कि रिलीजियस पर्पस एंड फोर्थ वाज फॉर द सैलरीज सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द एंड नोबल्स सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्ना सिस्टम एग्जिस्ट करता था इस दौर में भी और uh, लेकिन जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय थे वो एक आम एक बेसिक सिंपल लाइफ जी रहे थे लेकिन जो प्रीस्ट और नोबल थे दे वर लिविंग अ लक्ज़ुरियस लाइफ ऑब्वियसली बिकॉज़ दे वर दे वर पेड गुड सो दे लिव्ड अ गुड लाइफ शूद्रों की बात करें तो शूद्र जो है वो यहां तक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि दे हैड अ बेटर स्टेटस दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड देर स्टेटस इन सोसाइटी क्योंकि देखो हर्षांत था बाय बर्थ ही बुद्धिज्म में ऐसा कोई कास्टिज्म नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था गवर्नेंस में लेकिन अगर जो अनटचेबल्स की बात करें क्योंकि वो आ, जातियां जिन्हें कहा गया कि ये शूदों से भी नीचे है जैसे एक चंडाल जो हुए जिनको चंडाल कहा गया Uh, उनकी कंडीशन जो अनटचेबल्स थे जो अछूत जिन्हें कहा गया वो भी देवर 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 पैथेटिक बिकॉज हर्षा इफ यू टॉक हिज जेनरॉसिटी टुवर्ड्स एजुकेशन, इट वॉज ग्रेट बिकॉज नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने बहुत ही अच्छे से जनरसली सपोर्ट किया एंड uh, क्योंकि नालंदा इट्सलॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड्रेस माइन बुद्धिज्म वॉज ही वॉज अ कॉम्पिटेंट मिलिट्री रूलर एंड कॉन्करर एंड एवरी थिंग दिस इज द समरी ऑफ दैट और ये जो स्टेटमेंट है दैट ही वॉज द लास्ट किंग टू रूल ओवर अ वास्ट एम्पायर इन इंडिया बिफोर द इन्वेजन ऑफ मुस्लिम इट्स ट्रू क्योंकि इसके बाद कि जितने किंगडम्स हम देखेंगे वो छोटे हैं इतने प्रोमिनेंट है प्रोमिनंट्स की बात ना करते हुए अगर हम कहें कि इतना इम्पैक्टफुल नहीं है तो दैट वुड बी मच मोर यू नो Uh, relevant to say here. So uh, in six forty seven AD when Harsha died at the age of forty one years, Kykiuska Koi uh Nashola Naita, Koyuska successor Naita. So the this Pushyabhuti dynasty, he, the you know, it ended. Uh, the Vardhana dynasty it ended and uh, now the empire obviously the guard is gone so the empire got split into number of uh, you know खैर इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरी मेजर डायनेस्टी थी इस दौर की इट द मैत्रिकाज अब मैत्रिकाज के साथ क्या है द ट्रिब्यूटरी चीफ ऑफ गुप्ताज गुप्ताज के दौर में और लेटर ऑन जब गुप्ताज ऑफ द गोल्डन एज गुप्ताज जब वो हटे उनके एम्पायर का उनके uh, उसका एंड होता है तो व्हाट दे डेड दे

और ये भी देवर देवर लाइक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गुप्ताज ये भी गुप्ता एज के बाद ही आते हैं एंड इट इट इज वे ओल्डर एंड अ वे हायर डायनेस्टी एज कंपेयर टू द वर्धनाज बिकॉज इनका जो मेंशन है मोखरीज़ का वो पतंजलि का जो काम है जो लिटरेरी वर्क है हमें वहां भी दिखता है and uh, ye Harsha ke saath how they were related because Harsha's sister was married to uh, the Mokri king this was visible now uh, from uh, you can say uh, Eastern UP and Bihar these were the regions jahan pe, uh, they had their uh, prominence now <coughs> अब जैसा मैंने कहा एक्सपेंशन वॉज द ओनली रूल ऑफ लॉ कि जिसके पास जितना टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगा दैट इज ओनली द रूल ऑफ लॉ सो वॉट हैपन दे लॉस्ट एंड कीप एंड की बाउंड्रीज कीप ऑन चेंजिंग लेकिन अगर हम कहें तो ये ये वाला जो रीजन है ये वाला जो रीजन है दिस वन इज द रीजन वेयर रफली ये सिक्स हंड्रेड में इंडिया की कंडीशन थी सो यू कैन सी थानेसर यहां पे है वल्लभी किंगडम यहाँ पे है, काल्चुरी लिटर गुप्ताज थे जिनको अभी हम जिक्र कर रहे थे वो सो स्लोली स्लोली दिस ऑल वेंट ऑन एंड सो मोखरी का जो जिक्र uh, है वो पतंजलि के काम में भी आता है और पाननी के काम में भी आता है एंड इफ यू सी कि मोखरीज की एक क्ले सील क्योंकि ये सील्स कॉइंस दे आर दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री सो दे हैव बीन फाउंड एट गया एंड एंड दे बिलोंग टू द मौर्य पीरियड मतलब ये पुराने थे दे हैव बीन रूलिंग फॉर एंड दे हैव बीन प्रेजेंट देयर फॉर रॉन्ग सो उनका रेफरेंस हमें उनके जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं वो हमें गया में भी मिलते हैं कोटा में भी मिलते हैं मीन्स दे वर वेरी वाइडली स्प्रेड और यू नो द जो भी हमें एपिग्राफिक एविडेंसेस मिले हैं हिस्ट्री में उससे हमें ये पता चलता है कि इनके दो ग्रुप्स थे जो रूल कर रहे थे एक रूल कर रहा था साउथ बिहार में और एक रूल कर रहा था यूपी में इन दोनों रीजन्स में ये रूल कर रहे थे एंड Uh, इनके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे एंड फाउंडर ऑफ वन ग्रुप सो ये यज्ञ वर्मन एंड हिज सन शार्दुल वर्मन अनंत वर्मन ये वन ग्रुप थे सेकेंड ग्रुप जो था वो हरि वर्मन आदित्य वर्मन ईश्वर वर्मन ईशान वर्मन एंड ऑन नाउ दिज पीपल दिस सेकेंड ग्रुप दिस सेकेंड ग्रुप व्हिच वाज रूलिंग दिस वॉज रूलिंग द यूपी वाला पार्ट और uh, इनका जो Trees, जो ये ये जो ग्रुप हरिवर्मन वाला जो ग्रुप था ये जो लीनियज था इट वॉज बेसिकली फ्यूडिट्रीज और वैसल्स ऑफ द गुप्ताज नाउ जहां पे इन्हें सामंत क्योंकि गुप्ताज के दौर में uh, हम देखते हैं कि उन्हें सामंत का जो है टाइटल मिला हुआ था एंड फ्टर दैट हरिवर्मन वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने अपने कहा and assumed, because अब कह, दिया है, तो ही हैज्यूम्ड एंड यू नो इंडिपेंडेंट स्टेटस एंड और लेकिन जो एक हिस्ट्री को शेप मिलता है जो uh, मोखरीज के जो you know, एक कहना चाहिए डेफिनेट हिस्ट्री है विद प्रॉपर जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि उसका मतलब राजा है फिर उसका बेटा है एंड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी चीजें हमें किसके दौर से मिलती है ये ईशान वर्मन के दौर से मिलती है सो ही हैजीटेड आंद्राज एंड द आज अब बड़ा काम किया बड़े लोगों को हराया तो बड़ा टाइटल लेगा so सो उस, उसके जो uh, <coughs> पूर्वज थे उन्होंने क्या टाइटल लिया महाराज इन्होंने बोला नहीं मैंने और बड़ा काम कर दिया आई हैव गॉन बिग सो आई विल टेक द टाइटल ऑफ धीराज। मींस इट्स अ बिग वन सो ही वाज सक्सेडेड बाय सर्ववर्मन एंड देन लेटर बाय अवंती वर्मन सो दिस ग्रह वर्मन जो हमने uh, जब हम uh, वर्धना डायनेस्टी की बात कर रहे थे वहां हमने ग्रह वर्मन को देखा ये जो ग्रह वर्मन था जिससे uh, जो पुष्यभूति किंग थे आ, प्रभाकर वर्धन उनकी बेटी का विवाह हुआ आ, वो जो ग्रह था अवंती सर्ववर्मन और ईशान वर्मन ये उसी लिमियज की हम बात कर रहे हैं और ये जो आ, कहानी है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दी कि हुआ क्या वो कैसे शशांक आता है Uh, ग्रवर्मन को मारता है राज्यश्री को ले जाता है एंड द होल थिंग सो दिस वॉज अबाउट द मैथ्रिकाज इम्पॉर्टेंट डाइनेसिटीज थे नॉर्थ uh, इंडिया की स्पेशली आफ्टर द डिसंटीग्रेशन आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ता अम्पायर इट वॉज अपिस एंड फ्रॉम हियर लेट मूव टू द साउथ और फिर से जो भी हमारे Uh, South India's, you know, uh, hai. My again, deepest apologies, because uh, in spite of reading and teaching so much, so many times in so many years, still the my pronunciation of uh, these southern kingdoms and southern terminologies is not that good. If there is any, you know, mispronunciation, then please. Uh, आई एक्सटेंड माई अपॉलॉजीज इन एडवांस सो हम बात करेंगे पलवाज की साउथ की तरफ है अब पलवाज कौन थे पलवाज के बारे में अगर हम उनकी हिस्ट्री के बारे में समझें हम उनके ओरिजिन के बारे में देखें तो इट इजेड कोई ऐसा स्ट्रांग uh, एविडेंस नहीं है कोई ऐसा कॉन्क्रीट uh, एविडेंस नहीं है जो उनके ओरिजिन की बात करें बट अब जब स्ट्रांग एविडेंस नहीं है तो थ्योरीज है और थ्योरीज हर कोई अपनी अपनी थ्योरी जिस हिस्टोरियन को जो समझ में आया लाइक सम हिस्टोरियन से दैट द ब्रांच ऑफ द पहलवाज ऑफ द पार्थियंस हु मूव टू साउथ हम आगे देखेंगे पार्थियंस के बारे में नहीं दिस दिस इज इन द पार्ट ऑफ एंशियट हिस्ट्री आई एम सॉरी और सम से दैट एन वहाँ पे जो डिफरेंट ट्राइब्स थे together, और उनका जो मिक्स था उसको हमने पलवास कहा मद्रास uh, और डिसेंडेंट ऑफ अ चोला प्रिंस एंड नागा मनीपालवम सो ये श्रीलंका से इनका ताल्लुक हो सकता है दैट और कुछ का कहना था कि ये जो पलावाज हैं दे आदि ये जो पलावाज है दे आदि फ्यूडटरीज ऑफ आर दी फ्यूडिट्रीज ऑफ सो एनीथिंग इज पॉसिबल अगर पलावाज की बात देखें तो द दे फर्स्ट ऑफ द किंग दे समवेयर अराउंड सेंचुरी बट बट बाय सेवेंथ सेंचुरी जिस टाइम पीरियड की बेसिकली हम बात कर रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री में अर्ली मिडिबल हिस्ट्री में वहां पे आप देखोगे कि बाय सेवेंथ सेंचुरी बाय सेवेंथ सेंचुरी यू नो ये जो द uh, डोमिनेशन देखो सारी लड़ाई वर्चस्व की होती थी झगड़ा क्यों है क्यों हम आई टेक बैक यू टू द मैप वी है बहुत कुछ बहुत सारे छोटे बड़े प्रिंसिपैलिटीज छोटे बड़े किंगडम्स आपस में लड़ रहे हैं सवाल है कि क्यों लड़ रहे हैं क्योंकि हर किसी को महान बनना है हर किसी को अपने आप को ग्रेट करना है। आप भी इसीलिए मेहनत कर रहे हो सो दैट योर स्टेटस बी वेरी मच डिफरेंट नेवर बी द कॉमन मैन वंस आप उस चीज को हासिल कर लोगे आप मेहनत कर रहे एट मोस्ट ऑफ द एस्पेरेंट इन द्वेंटीज and and in your in your twenties I know it is very difficult. Jab, uh, the whole world is let let's not talk about the pandemic time. लेकिन फिर भी आपके जो लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं कोई job कर रहा होगा या कोई you know job के बाद अपनी salary पे कोई घूमने जा रहा होगा and still you are waiting, you are struggling. This is also war what you people are doing. This is also a you know a contest with your own. कि हम क्यों कर रहे हैं आप खुद सवाल और और जब इंटरव्यू देने जाओगे तो यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेट बट एक चीज डेफिनेट है किसी को हो सकता है सोशल सर्विस करना हो किसी को कुछ किसी के लिए पेरेंट्स का ड्रीम हो किसी के लिए खुद का ड्रीम हो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट जब आप बन जाओगे जब आप इस चीज को अचीव कर लोग नॉट बी द कॉमन मैन आपका एक अलग स्टेटस होगा और वो जो भले ही uh, आपके लार्जर uh, कंट्री में या आपको उतना सिग्निफिकेंस uh, हो क्योंकि हर साल हजार लोग सिलेक्ट हो रहे हैंडी अ गुड कार्डर ऑफ आई एस यूल जूनियर मोस्ट वेन यूल ज्वाइन बट

और ये हमेशा से एक बड़ा वो रहा अगर हम पलवा टेरिटरी की बात करें तो ये वाला जो रीजन है आप देख सकते हैं कांची एंड फ्रॉम लेट्स से कि तुंगभद्रा भद्रा या कृष्णा रिवर से लेके कावेरी रिवर तक का जितना रीजन था वो पलवा टेरिटरी था कैपिटल इनकी कांचीपुरम थी एंड देर टेरिटरीज एट द हाइड ऑफ पावर्स आंध कावेरी से लेके आंध्र प्रदेश तक नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश तक तेलंगाना तक जो है इनका डोमिनेंस था एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि जो चोलाज थे दे वर रिड्यूज टू अ स्मॉल मिपैलिटी इन द अथॉरिटीज ऑफ पलवा और uh, चालुक्या को चालुक्या उसको हरा के उधर उन्होंने चालुक्या को हरा के वतापी या बदामी जिसे हम कहते हैं बदामी के नाम से जो हम जानते हैं इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय द पलवा किंग नरसिमर्मन और उसने जो है चालो को हराया। Then, लेकिन देखो क्लास की ना एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है और ये चीज पॉलिटिकल आज का स्यूडो अलीट ऑफ द मॉडर्न डे इज द पॉलिटिक्स इज द पॉलिटिशियंस नॉट द पॉलिटिक्स कि आपस में कितना लड़ते रहेंगे लेकिन व्हेन आउटसाइड uh, you know, uh, कोई बाहर से जो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है या उनके खिलाफ होता है तो, तो ये सारे एक हो जाते हैं so, कि वो टॉम और जेरी आपस में तो लड़ रहे हैं लेकिन कोई तीसरा एलिमेंट जैसी आता है ना जो लगता है कि हम दोनों के लिए डेंजरस है वो दोनों एक हो जाते थे देर सेम वॉज हियर ये चोला आई एम सॉरी ये चालुक्य क्या ये पलवाज पांड्याजी क्या कर रहे थे आपस में लड़ रहे थे लेकिन देर वॉज अ कालाभ्रा प्राइजिंग अभी कलाभरा प्राइजिंग क्या था कि एक एक कंसेप्ट था एक एक प्रैक्टिस थी विच वॉज नोन एज ब्रह्मदे मतलब ब्राह्मण को जो है वो दक्षिणा कह लो या जो भी कह लो एज अ पार्ट ऑफ गिफ्ट क्या होता था दे टू गिव सम लैंड और इस प्रैक्टिस के खिलाफ इस के खिलाफ दिस कालाभरा प्राइजिंग so, हुई तो ये जो तीनों पांड्या थे चालुक्य थे पल्लाव थे ये सब क्या हुई एक हो गए एंड दिस इज द रूल ऑफ द अलीट आप कॉर्पोरेट्स को देख लो वे दे विल फील की व अ कॉम्पिटिशन सुपर रिच पीपल दे मे हैव अम्पिटिशल्स लेकिन जहां उन्हें लगता है कोई कॉमन थ्रेट आ गया है विच कुड विच कुयर इकोमिक डोमिनस वो सब एक हो जाते हैं तो यहाँ भी यही हुआ कि एक हो गए uh, पलबाज एम्पायर्स के अगर रूलर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिव स्कंद वर्मन की और जो अर्ली रूलर्स थे उनके <coughs> जो है इन्होंने और जो वेदिक थे. Uh, यहां इसका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साउथ में अभी उतना ब्राह्मणिज्म या जो वेदिक कल्चर था उसका उतना इम्पैक्ट uh, नहीं था अब लेकिन ए, क्योंकि ब्राह्मण रूलर्स थे इनका इन्होंने वही वैदिक कल्चर्स वैदिक प्रैक्टिस वैदिक सेक्रीफाइसेज दे स्टार्टेड डूइंग दैट उसके बाद जो है हम अगर सिक्स एंड सेवेंथ सेंचुरी की बात करें सो so शिव वर्मन और शिव विष्णु तो ये बुद्धिस्ट थे तो ये आ, आप देखोगे कि बार बार एक ही लीन में एक ही डायनेस्टी में जो है वो कोई हिंदू हो जाता है कोई बुद्धिस्ट हो जाता है कोई जैन हो जाता है सो so ये चलता रहेगा इन्होंने क्या किया ही इंक्लूडेड श्रीलंका इन हिस्स किंगडम एंड ही डिफीटेड कंटेम्प्ररी तमिल रूलर एंड यहां से ये ये सिम वर्मन या सिम विष्णु के बाद से जो है दिस हिस्ट्री पल्लवा हिस्ट्री अज्यूम्स कैरेक्टर ही दिस पर्सन सिम विष्णु वॉ सक्सीडेड बाय हिस सन महेंद्र वर्मन सिक्स हंड्रेड टू सिक्स थर्टी ए डी और हिमसेल्फ वॉज अ पोएट हर्षा के बारे में जैसे भी हमने देखा सो so, विचित्र चित्र एंड महाविलास प्रहस प्रहसना महाविलास प्रहसना ये इनके इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थे बट वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर्ट एंड यू नो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू वहां से आपको ये देखना है दैट ये जो रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर है इसकी शुरुआत महेंद्र वर्मन के दौर से होती है बुद्धिस्ट ही वॉज अ जैन

उसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन फॉर द नेक्स्ट 38 इयर्स 632 630, 630 uh, 668 और लेटर uh, पलवाज में ही इज कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट क्योंकि ग्रेटेस्ट पीपल में हैव आर्ट एंड कल्चर वाले कहेंगे कि ये जो है ये महामला बट फॉर मी दिस इज द पॉइंट वो पुलकेसिन जिसने हर्षा को हराया वो पुलकेसिन 2 जिसने uh, इनके फादर वर्मन को भी डिफीट किया ही डिफीटेड एंड किल्ड हिम एंड टुक द कंट्रोल ऑफ द चालुक्य कैपिटल चालुक्य कैपिटल थी और उसको उसने अपनी कैपिटल बनाया उसको जो है उसने अपना uh, कहना चाहिए कि uh, अपने दैट वॉज द सिंबल ऑफ हिज डॉमिनेंस की ठीक है मैंने एक ऐसे राजा को हराया जो की मतलब ही हैड नो डाउट पुल के सीन टू का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है जिसने हर्षा को हराया जिसने पलवा को चैलेंज किया और इसने नरसिम्हा वर्मन टू वन ने इनको हरा के वतापी को वतापी को जो है अपने उसमें लिया एंड दिस दैट इज व्हाई ही अज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा ही आल्सो वैंकोज द चोलाज चेराज एंड द पांड्याज सबका उसने एक तरीके से सफाया किया एंड ही एंड दैट इज वाई ही इज़ टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस टाइम द पलवर टाइम पीरियड क्योंकि इसका एक नाम और जो ऑल्सो नोन एज महामल्ला और महामल्ला एंड ही फाउंडेड द सिटी ऑफ महामलापुरम और महाबलीपुरम आफ्टर इज नेम तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है uh, ही हिसेंटा नेवल एक्सपीडिशन टू श्रीलंका एंडलीस प्रिंसेस प्रिंस मनी वर्मा तो ये भी उन्होंने श्रीलंका के साथ अपने ताल्लुका सही किए ह्यून चैंग जो है पलवा uh, किंगडम में जो है वो इनके टाइम पे आया फोर्टी एट में एंड दैट अगेन पीपल वर हैप्पी महान राजा उसके अलावा ये जो ग्रेट सेंट्स हैं लाइक अपा तरीके के जो मेजर uh, सीन्स थे South India में, South Indian history में में जिनका एक अच्छा uh, impact है, uh, no. वो भी इन्हीं के दौर में थे। वर्मन इनका बेटा uh, था वो सक्सीडेड है और सिर्फ दो साल उसने रूल किया देखो ये होता है जब भी कोई महान राजा आता है ना उसके बाद एक बहुत वैक्यूम क्रिएट होता है उसकी वजह ये है दैट नो वन इज नो ग्रेट पीपल आर डिटाइंग यू नो दे ग्रेट और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं मतलब you know, जिनके अंदर लीडरशिप एबिलिटी होती है यू कैन सी दैट फ्रॉम द चाइल्ड हुड इस तरीके की जब हम राजा की बात करते हैं महान राजा जो है जितने भी हम नाम लेते हैं या किसी डायनेस्टी में कोई महान होता है उसके बाद क्या होता है जब उनके बाद के जो सक्सेसर होते हैं जब वो आते हैं तो वहां यू सी दैट देर इज अ वैक्यूम uh, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं जैसे अकबर के बाद हुआ अकबर के बाद सिर्फ डिस्ट्रक्शन हुआ कहने को आप कहोगे कि जहांगीर जहांगीर के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो नो no, एग्जाम के हिसाब से तो मैं तो सिर्फ दो ही चीजें बोलता हूं याद रखना है एक हाउ ही अलाउड द ब्रिटिश सेकंड ही वॉज अकबर सन नथिंग एल्स बिकॉज वॉट ही इनहेरिटेड वॉज ग्रेट नथिंग शाहजहां ने बाकी बची कुछ चीज़ों कसर थी वो मुजसमों में और इमारत तो बनाने में तबाह कर दी दैट इज औरंगजेब हैड टू फेस इकोनॉमिक क्राइसिस सो सेम थिंग तो महान राजा कौन दिस पर्सन नरसिम्हा वर्मन वन उनके बाद उनका बेटा देखो सिर्फ दो साल उउंड टू हैपन पलवा सोसाइटी uh, और कल्चर की बात करें सो so, जैसा हमने देखा कल्चर जो है वो डोमिनेट करता था एंड ब्राह्मण ग्रेटली पैटर्नाइज बाई किंग्स और उनको जो है सारा जो भी दान दक्षिणा होता था सब मिलता था एंड ब्राह्मण गॉड देअर यू नो देअर स्टेटस ग्रेटली एनहैंस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड और जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिजिड होता गया इफ यू टॉक अबाउट द पल्लवा किंग्स ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे शिव और विष्णु की uh, आराधना करते थे बट टॉलरेंट थे एक्सेप्टेंस था बुद्धिज्म और जैनिज्म का बट अनफॉर्चुनेटली दीज टू फेथ्स द लॉस्ट देयर रेलिवेंस एंड कांचीपुरम वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कांची यूनिवर्सिटी ऑफ वेरी ग्रेट पार्ट इन द प्रोपगेशन ऑफ आर्यन कल्चर इन द साउथ एंड आर्यनाइजेशन मतलब आर्यनाइजेशन से यहाँ ताल्लुक यह है कि जो आर्यन कल्चर जो वैदिक कल्चर जो हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं उसका वो वो कहाँ आके पूरा होता है वो आके पूरा होता है साउथ में जब उसका इम्पैक्ट की आप बात करते हो तो वो यहाँ आके पूरा होता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बलवाज सियायन जिन्होंने न्याय भाष लिखी ही वाज आल्सो टीचिंग एट द कांची यूनिवर्सिटी भैरवी दांडिन यू नो किरतार जूनियम भैरवी ने लिखी दश कुमार चरित्र दान्डिन ने लिखी एंड बोथ वैष्णविज्म एंड शैविज्म जो है भक्ति मूवमेंट पर हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ दे, पढ़ेंगे तो बोथ दिस वैष्णविज्म एंड शैविज्म शेविज्म देरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड अब देखो

और जब इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि जो वैदिक ट्रेडिशंस थे, जो वैदिक सेक्रीफाइसेस थे जो वैदिक रिचुअल्स थे वो डोमिनेट करने लगे जो भी वहां के लोकल साउथ uh, के जो भी लोकल ट्रेडिशंस हैं लोकल कहना चाहिए उसके ऊपर जो ये वैदिक ट्रेडिशंस थे वो सुपर इम्पोज होने लगे uh, और नो इफ इफ यू सी दिस दिस तमिल सीन्स जो थे दिस वन चाहे वो शे वाइट्स जिनको नयन कहा गया वैश्वाइट्स को अलवर्स कहा गया तो ये जो है इसी दौरान थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो जो पलवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं द महेंद्र स्टाइल फ्रॉम द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट 25 इयर्स, देन द मामला स्टाइल फॉर द नेक्स्ट

The Dravidian style of architecture. It begins with the Pallava reign. The Dravidian style of architecture. It begins with the Pallava reign. So this was about the Pallavas, and this was our second lecture in, in the medieval history part. Uh, I'll see you in the next lecture. Thanks for watching. Uh, do visit us on this website, and uh, if you are in Delhi NCR region, uh, you can come. Us, uh, you can come and you know, this is where we will meet. Uh, so, have a great time, stay safe, stay healthy, take good care of yourself. Thank you so much.